अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पंजाबी अंडा मसाला या पंजाबी स्टाइल जो है अंडे का सालन, जो आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है पैन में देसी घी और इसको अच्छे से गर्म कर लें। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की चॉप्ड प्याज, फाइन चॉप्ड आप प्याज लोगे। मैं आपको अंडे के साथ साथ जो है आपको पराठा भी बताऊंगी। पराठे मैंने जी लिए हैं रेडीमेड। अच्छा जी, पहले हमने मसाला तैयार करना है और प्याज़ों को मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है, ट्रांसलूसेंट जो होता है वो करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम इसमें जो है मसाला जात और दूसरी चीज़ें जो है ऐड करेंगे। आगे देखते जाएँ क्या क्या मैं ऐड करूँगी। तो अच्छे से जो है इसको हम सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम सुनहरा हल्का सा करेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए, हमारे पास एक मसाले का कलर आ जाए। तो अच्छे से भून लें प्याज़ों को कम से कम 2 से 3 मिनट। और अब जो है मैं पैन गरम मैंने कर लिया है साथ वाला, और उसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी एक पराठा जो कि रेडीमेड बाज़ार का पराठा है, कभी कभी रेस्ट भी करना चाहिए। तो मैं इधर जो हूँ आज आपको टिपिकल ये जो है मसाला अंडा जो है बताऊंगी। ये एक्चुअली पंजाबी घरों में ही बनता है, कश्मीरी घरों में भी बनता है, और इंडिया में जो बॉम्बे की स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है, ये उसमें आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अच्छा जी, अब मैंने इसमें अदरक ऐड किया है, बातें तो चलती रहेंगी। मैंने अदरक ऐड की है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, फ्रेश काट लें। उधर मैं पराठे को जो है साथ साथ सेक रही हूँ, हल्का सा घी जो हूँ मैं बाद में ऐड करूँगी सुनहरा रंग देने के लिए। तो अच्छे से जो है मिक्स करें, भूनें, यकजान कर लें खुशबू को मसाले के। तो आगे चलते हैं, अब मैं इसमें जो हूँ क्या ऐड करूँगी आप आगे देखें। बहुत सी वैरायटी है अंडों के सालन की, बहुत सी डिशेस हैं जिनमें से एक ये है जो मेरी मनपसंद है। अच्छा जी, मैंने अब इसमें लाल मिर्च ऐड की है, सुरख जो पिसी हुई मिर्च होती है, क्रश चिली जिसे हम कहते हैं। और इधर मैं जी घी लगा रही हूँ और पराठे को ज़रा सुरख करना है, ज़रा रंगत देनी है। तो अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से पराठे को। ऑप्शनल है, घी लगाना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं लगाना पसंद करते तो आप जो फ्रोज़न पराठे के अंदर जो घी होता है या बटर होता है वो भी लगा सकते हो, आई मीन उसी में गोल्डन कर सकते हैं। सॉरी, कभी कभी क्या कहते हैं ना, बात थोड़ी सी बदल जाती है। तो और आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये डिश आपको कैसी लगी। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना कि जो प्याज है वो थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। और अब इसमें कलौंजी मैंने ऐड की है थोड़ी सी, आप ले लें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून आप कलौंजी लेंगे, और थोड़ा सा मैंने ऐसे ही गर्म मसाला पिंच के करीब डाला है, और इसको मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद ज़रा मसाला भून लें और थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाला जो है वो एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम पराठे जो हैं उनको हम सेक रहे हैं। मैंने 3 पराठे लिए और ये 2 बंदों के लिए जो है प्रॉपर एक मील है। आप इसे वीकेंड ब्रंच भी इससे कर सकते हो अरेंज, और इसको आप ब्रेकफास्ट के तौर पे भी ले सकते हो। और अगर कुछ खाने का या पकाने का दिल नहीं है तो आप ये भी बना के उस दिन सर्व कर सकते हो। इसके साथ आप थोड़ा सैलड रख लो, चटनी रख लो, और आलू बुखारे की चटनी ज़रूर रखना, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे फ्लेवर देने के लिए। अब इसमें मैं चाइव्स ऐड कर रही हूँ। चाइव्स जो होते हैं ये कह लें कि ग्रीन अनियन का फैमिली से लिंक करता है, और ये ड्राइड हैं तो ये फ्रेश भी मिलते हैं, उसको आप ड्राई कर लो। और ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ली है, और अब जो है इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ ताकि एक अच्छा सा जायकेदार खुशबूदार हमारे पास एक मसाला आ सके। अब इसमें जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें क्या ऐड करें। मैंने टमाटो प्यूरी ली है, आप चाहो तो इसमें फ्रेश टमाटोज़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन टमाटो प्यूरी से ज़रा ग्रेवी खड़ी खड़ी बनती है, थिक बनती है। टमाटर अगर आप डालते हैं तो उससे ग्रेवी का कलर
थोड़ा लाइट बनता है और थोड़ा सा पानी उसमें रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मसाला बहुत गीला गीला लगता है और अंडों को नहीं चिपकता। तो ये एक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसमें टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट ऐड करें और थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि ये एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये तो ट्विस्ट अब आगे आने वाला है। आपने जी अब इसमें यूज़ करने हैं हार्ड बॉयल एग्स, फुल हार्ड बॉयल एग्स जो तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने बॉयल किए हुए हों। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आगे वो हम किस तरह डालेंगे, इसमें जो अंडों का इस्तेमाल है हम किस तरह करेंगे। ये लिया है मैंने एग स्लाइज़र जो हर घर में होता है। आपने इसमें अंडा रखना है लंबाई के रुख, और आपने हाफ कट देना है इसको दबाकर, हल्का सा हाफ कट देना है, और आपने इसी तरह तीनों अंडे तैयार कर लेने हैं। आप चाहो तो अंडे बढ़ा सकते हो, पर पर्सन आप दो अंडे भी रख सकते हो, मैंने तीन रखे हैं, आपके ऊपर है आप इसको कितना लेके जाना चाहते हो, उसी तरह मसाला भी बढ़ा लेना। तो अब ये इसी तरह मैंने तीन अंडों को जो है कट दिया है, अगर थोड़ा बहुत टूट जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अंडे पूरे खुले नहीं हुए तो वो लिहाजा पकते हुए टूटेंगे नहीं, लेकिन होने शर्तिया हार्ड बॉयल चाहिए। अगर हार्ड बॉयल नहीं होंगे तो अंडे टूट सकते हैं, ख़राब हो जाएगा सालन, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा जी, पराठे भी साथ साथ सिक रहे हैं, और अब जो है मैं अंडों को अच्छे से भून रही हूँ। ऐसे भूनना है कि मसाला जो है वो अंडों के अंदर चला जाए, जो कट लगे हैं उसके अंदर मसाला रच जाए, और तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने अंडों को इस मसाले के साथ पकाना है। अच्छे से देखें जी, अब ये पक चुका है और मसाला जो है वो एक गाढ़ा होना शुरू हो गया है, अंडे भी आप देख रहे हो कि उसमें मसाला अच्छे से लग गया है, और अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे, चम्मच कम चलाना है। और उधर जी हमारे पराठे हो गए हैं रेडी, और एक आखिरी पराठा रह गया है, तो मैंने सोचा कि उतनी देर में अंडों को थोड़ा सा हल्की दम पे जो है ना, हल्की आंच पर दम पर पकाया जाए। कोशिश करें कि मसाला साइडों से उठाएं और अंडों के दरमियान इस तरह हल्का सा लगाएं, जिस तरह मैं चम्मच की मूवमेंट कर रही हूँ इसी तरह आप अंडों को पकाएं। दूसरी तरफ मैं पराठे को अगेन घी लगा रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ग्रेवी ज़रा अच्छी सी बन जाए, क्योंकि पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में, अगर आपके अंडे उबले हुए हों तो 10 से 15 मिनट में आपका ये सालन तैयार हो जाता है। और जी इधर हमारे पराठे भी जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं, और अंडे भी तकरीबन पक चुके हैं। अब मैंने ऊपर से ऐसे ही तिल छिड़के हैं, ज़रा अच्छे लगते हैं कभी कभी ये, क्योंकि सर्दियों में पकते हैं और इसलिए मैंने इस पर तिल छिड़के हैं। मैंने इसको सर्व करने के बाद भी इस पर तिल छिड़क रही हूँ खूबसूरती के लिए। आप चाहो अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो आप इसको ना यूज़ करें। सुबह सुबह तिल अगर आप खाते हैं तो ये एक सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है, और मैंने इसके ऊपर जो है चाइव्स ऐड किए, आप ग्रीन अनियंस भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये देखें जी, खूबसूरत से अंडे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ चाय, काइंड ऑफ कड़क चाय भी नहीं कहेंगे, और काइंड ऑफ इसे हम बस चाय का नाम देंगे, मैं इसे पकी हुई चाय कहती हूँ जिसको हम थोड़ा सा बॉयल करते हैं। मैंने जी 1 कप दूध लिया है और 1 कप ही पानी लूँगी, और इसको अच्छे से मैं पकाऊँगी मसाला जात के साथ। ये मेरे घर में बहुत पी जाती है जब स्पेशली मौसम चेंज होता है। इसमें मैंने इलायची और दालचीनी कुटी हुई 1/4 टीस्पून डाली है, इसमें सौंफ 1/2 टीस्पून गया है, और 1/2 टीस्पून चीनी। अच्छे से मिक्स कर लें, 2 टी बैग्स आप ले लो, अगर आपकी चाय स्ट्रांग नहीं है तो आप 3 ले लो। ये 2 कप चाय है तो उस लिहाज से ये मैं 2
टी बैग ले रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, हल्दी वाली चाय जो है ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट की। आप इसको पकाएंगे, अदरक इसमें साथ में फ्रेश डाल लें। इसको आपने पकाना है कोई 5 मिनट के करीब और इसके बाद आप इसको सर्व कर दें। अच्छे से इसको पकाएं, इसको इसके बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, हेल्दी बेनिफिट्स बहुत हैं। हल्दी वाली चाय का इस्तेमाल आप करें सर्दी गर्मी, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो फिर आप प्लीज़ इसको अवॉइड करें। ये सिर्फ सर्दियों में चाय जो है पीने का मज़ा आता है, या अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।